बल तथा गति के नियम भाग 5 संवेग संरक्षण का नियम। पिछले वीडियो में हमने गति के तृतीय नियम के बारे में जाना। इस वीडियो में हम संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे। संवेग संरक्षण का नियम हमें बताता है कि वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद समान रहता है, जबकि उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इस कथन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि दो गेंद ए तथा बी हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए तथा एम बी हैं, और वे एक सीधी रेखा में क्रमशः यू ए तथा यू बी वेग से चल रही हैं। और माना कि उन गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। माना कि गेंद ए का वेग गेंद बी के वेग से ज्यादा है, और कुछ समय बाद वे एक दूसरे से टकरा जाती हैं। माना कि टक्कर का समय टी है और गेंद ए गेंद बी पर एफ ए बी बल लगाती है। इसी प्रकार गेंद बी गेंद ए पर एफ बी ए बल लगाती है। फिर से माना कि टक्कर के बाद गेंद ए तथा गेंद बी के वेग क्रमशः वी ए तथा वी बी हो जाते हैं। अब संवेग की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि गेंद ए का संवेग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद क्रमशः एम ए यू ए और एम ए वी ए हैं। अब टक्कर के दौरान गेंद ए के संवेग परिवर्तन की दर बराबर एफ ए बी बराबर पी टू ए माइनस पी वन ए बटा टी बराबर एम ए गुना वी ए माइनस यू ए बटा टी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि टक्कर के दौरान गेंद बी के संवेग परिवर्तन की दर बराबर एफ बी ए बराबर पी टू बी माइनस पी वन बी बटा टी बराबर एम बी गुना वी बी माइनस यू बी बटा टी। अब गति के तृतीय नियम से गेंद ए से गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी, गेंद बी से गेंद ए पर लगाए गए बल एफ बी ए से परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसलिए गणित में हम लिख सकते हैं एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए या एम ए गुना वी ए माइनस यू ए बटा टी बराबर माइनस एम बी गुना वी बी माइनस यू बी बटा टी, जिससे हमें मिलता है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी टक्कर से पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग व्यक्त करता है तथा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी टक्कर के बाद गेंद ए और बी का कुल संवेग व्यक्त करता है। पिछले समीकरण से हम देख सकते हैं कि टक्कर के पहले गेंदों का कुल संवेग और टक्कर के बाद गेंदों का कुल संवेग समान रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गेंदों का कुल संवेग अपरिवर्तित और संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसलिए इस आदर्श टक्कर के प्रयोग से हम दर्शाते हैं
कि दो वस्तुओं की टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के समान होता है, जब तक उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम को दूसरे कथन से व्यक्त करते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टक्कर से अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के नियम को और बेहतर समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। बंदूक से गोली चलने की अवस्था को देखते हैं। गोली चलने से पहले बंदूक और गोली दोनों का वेग शून्य के समान होता है। बंदूक से गोली चलने के बाद ये एक निश्चित वेग से आगे की ओर चलती है। अब संवेग संरक्षण के नियम से गोली चलने से पहले इनका कुल संवेग गोली चलने के बाद के कुल संवेग के समान होना चाहिए। इसलिए बंदूक और गोली के संवेग का योग गोली चलने के बाद भी शून्य होना चाहिए। अब यदि गोली आगे की दिशा में वेग प्राप्त करती है तो बंदूक को भी पीछे की दिशा में प्रतिक्षेपित होना चाहिए। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तब हम बंदूक को पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होते हुए देख सकते हैं। इसलिए इस प्रयोग में हम संरक्षण के नियम का सत्यापन देख सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम का पालन करने वाले दूसरे कई उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि सभी संरक्षण नियम जैसे कि संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि को भौतिक विज्ञान का मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संरक्षण नियम को सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम इस नियम को सत्यापित तो कर सकते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। अगर यदि ऐसा एक भी प्रयोग होता है जिसका परिणाम इस नियम का पालन नहीं करता तो ये इस नियम का खंडन करने के लिए काफी होगा। संवेग संरक्षण के नियम को बहुत से प्रयोगों और अवलोकन से निगमित किया गया है। ये जानना दिलचस्प होगा कि भले ही इस नियम को करीब 300 साल पहले निकाला गया था फिर भी किसी भी अवस्था में इस नियम का खंडन नहीं देखा गया। इस वीडियो में हमने संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जाना।